सुनकर। क्या हुआ है? तो हम लोगों ने एक सही संसद से अपने साथियों के साथ हम लोग डीएम को ज्ञापन सौंपने गए हैं। हम लोग ने डीएम को बुलाया, डीएम वहाँ नहीं है। हम वहाँ पर बदलता तरह से जो लाठीचार्ज हुए जानलेवा की तरह मारने की कोशिश की। हम आम छात्रों को, उन समाजवादी साथियों को बहुत बुरी तरीके से कूटा, जिसमें हालात आपके सामने हैं। आपका क्या कुछ टूटा उठा भी है आपके सामने? हालात ये देखिए, ये पूरा चेहरा जो बुरी तरीके से कूटा गया। प्रशासन किस तरह लाठीचार्ज की है? प्रशासन का तो बस चले तो वो जान ले तो वही मार खत्म कर दे। जिस हिसाब से वो तो लग रहा था कि जान मारने के लिए साजिश की गई। योगी जी ने साफ साफ बोल दिया कि समाजवादी छात्र नेताओं को मार के खत्म कर दो, वही इस बात को। आपके साथ साथ और भी कुछ साथी घायल हैं? मैं तो फिलहाल यूँ हूँ, मैं देख नहीं पाया। मेरे साथी गिरफ्तार होकर पुलिस लाइन में बैठे हुए। प्रशासन आपके ऊपर भी आरोप लगा रही है कि उनके ऊपर पथराव भी किया। और वहाँ पर सभी पत्रकार, मेरे भाई, सभी नौजवान साथी वहाँ पर थे, वहाँ सब देखने वाले होंगे। पुलिस पर कोई लाठीचार्ज जिस तरीके से उस पर कोई पथरावबाजी नहीं हुआ, पुलिस पर सदा सब झूठ बोल। राव जी, क्या घटना हुआ, ये कैसे हुआ आपको? मेरे साथ भैया लाठीचार्ज हुआ, मैं धरने पे बैठे थे और बीच में फंस गए। मैं इधर का ना पुलिस और प्रशासन ने इतनी बार मारी हमको, इतनी मार मारी, मेरा हाथ चल गया, मेरे मुंह पे चोट लगा, लाठी यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं भैया लगा। ये प्रशासन किस तरह मारे आपको? प्रशासन मेरे साथ इतनी बेरामी से मारी है, मैं बीच में एकदम ज्ञापन देने जा रहा है कि बेरोजगारी, लूट, बलात्कार, अपहरण, जो उत्तर प्रदेश में जुड़े आम चीज़ें हो रही हैं, नौजवानों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या, इन मुद्दों से हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल के जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। बीच रास्ते में पुलिस ने हमें बैरिकेडिंग करके रोक दिया और इतनी भारी संख्या में पुलिस थी, हम लोग बैठ गए। वो कहें ज्ञापन देंगे, हमने कहा आप जिलाधिकारी महोदय को यहीं बुला लीजिए, अगर हमको नहीं जाने देंगे तो हम यहीं ज्ञापन देंगे। उसके बाद वो हमारे वर्करों को, बिना समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे खींच रहे जैसे वो कोई जानवर है, मुर्दा लाश है, घसीटना शुरू कर दिए जैसे वो 302 के अपराधी हैं। सेंगर जेल में नहीं, सेंगर बाहर है, उसकी आवाज़ अपराधियों की कर रहे हैं। वो अपराधी हम समाजवादी लोग हैं, इस तरीके का बर्ताव किया गया। हमारे एक दर्जन कार्यकर्ता जो है पूरी तरह से घायल हैं, उन्हें अभी हॉस्पिटल नहीं लाया गया है। हमारे दो जो सीरियस हैं, राहुल सेंगर, राशि विद्या मंदिर के वरिष्ठ छात्र नेता है, जिनकी हालत आप देख रहे हैं बहुत सीरियस है। उनका हाथ फ्रैक्चर है, पैर में चोट है, सीने में चोट है, सर पे मार दिए डंडे से, सर पे पूरा निशान है। उनको रैया हो रही हैं और अभी भी प्रशासन जो है कोई इलाज किया, अभी सुनिश्चित अभी बस इंजेक्शन लगाया तो उनको रखा गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों के बजाय हम छात्रों पे अपनी पुलिस को और समाजवादी कार्यकर्ताओं पे अपनी पुलिस को लगा दिया है कि हम ही लोग नक्सलवादी हैं, हम ही आतंकवादी हैं, हम ही जो है हत्या कर रहे हैं, हम ही बलात्कार कर रहे हैं। सेंगर, चिदंबरमन और जितने भी इनके बलात्कारी नेता हैं वो सब हम ही लोग हैं और ये लोग एकदम गंगा की तरह पवित्र हैं।